ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ध्रुव जोशी और आज का माहौल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग कि ये म्यूटेंट वाला ऑब्जेक्टिव कैसे करें। मैंने ये फाइट पूरी नहीं करी प्रोफेसर एक्स से क्योंकि बहुत ही स्लो हो रही थी इन कंपैरिजन टू किटी प्राइड। तो मैं किटी प्राइड वाला दिखाऊंगा आपको। उसमें मैंने एक रिवाइव लगाया था पर उसका दूसरा पार्ट खो गया वीडियो का, बट आई शो यू कि क्या किया। एंड अगेन गाइस, अभी जो आपने अगर मेरा सिम्बियोट सुप्रीम वाला वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने बताया कि कैसे मारना है ऐसे, तो उसमें सारे प्रो टिप्स एंड सब कुछ है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है इस फाइट के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है इसको अगर आप लाइट अटैक मारोगे तो एनर्जाइज लगेगा, तो लाइट अटैक नहीं मार सकते। इसका प्रोटेक्शन हटाने के लिए हैवी भी देना ज़रूरी है। सो यू कैन यूज़ प्रोफेसर एक्स लाइक दिस, जहाँ पे आप इसका प्रोवेस रिफ्रेश कर करके डैमेज खींच लो थोड़ा बहुत। तो आप देख रहे हो शुरू फाइट को अभी एक मिनट हुआ है अराउंड, और काफ़ी हेल्थ ले चुका है प्रोफेसर एक्स। नॉट अ लॉट बट स्टिल इसके पास ये मिस वाला फीचर है प्रोफेसर एक्स के पास, सो विच हेल्प्स अ लॉट गाइज। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोवेस ना लूज़ कर जाओ। उसने यहाँ शानदार सा मेरे को एक वो दे दिया था इंटरसेप्ट, और उसी चक्कर में अब मेरा प्रोवेस ख़त्म हो जाएंगे। एंड आई बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू सेंड हिम टू स्पेशल टू, क्योंकि स्पेशल टू पे भेजते ही गारंटीड डेथ हो जाती मेरी। बट एज यू कैन सी, कुछ ही हिट में मैं उसको 90-80% पे ले आया हूँ। सो यू कैन यूज़ हिम। मेरा हाथ नहीं सेट हो रहा था, सो आई अवॉइडेड यूजिंग प्रोफेसर एक्स एंड आई जस्ट वेंट फॉर किटी प्राइड। अब मैं यहाँ मारा जाऊँगा एंड आई विल नॉट इवन परस्यू इट विद प्रोफेसर एक्स एनी मोर, क्योंकि कॉर्नर्ड हो गया हूँ, ऊपर से वो अनस्टॉपेबल है, तो मेरी बस की नहीं थी। तो गाइज, अब आ गया है वो वाली फाइट जहाँ मैंने किटी प्राइड सुसाइड यूज़ करके सुसाइड मास्टरी लगा के यूज़ करी है। एंड या इट वॉज अगेन, कम से कम 50-60 बार तो लड़ाई होऊंगा मैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि साइकिल इसकी समझ आए। तो आपको भी टाइम लगेगा गाइज इसको समझने में। बस मीडियम वाला कॉम्बो रखो। जितने ज़्यादा लाइट मारोगे अगर उसके साथ एनर्जाइज गलती से हो गए तो आपकी लग जाएगी। सो एज यू नो गाइज, किटी प्राइड फेज़ में डैमेज नहीं लेती, तो जो ये डीबफ भी लगाता है वो आप फेज़ कर सकते हो मीडियम वाला जो डीबफ लगाता है। यहाँ गलती से मैंने उसको अनस्टॉपेबल पे भेज दिया था पैरी करके, फिर से मैंने वो गलती करी। बट एनीवे, मैं 71% पे आ गया हूँ हैवी देकर। उसको मैंने प्रोटेक्शन हटाई उसकी, मीडियम का कॉम्बो रख रहा हूँ। पावर डेटोनेट लग चुका है मेरे पे, मेरे पास कुछ ही सेकंड बचे हैं स्पेशल टू तक पहुँचने के लिए, ताकि मैं उसको ख़त्म कर पाऊँ। एंड यू कैन सी आई एम डूइंग मोस्टली मीडियम एंड नाउ आई थ्रो माई स्पेशल टू, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर प्रोटेक्शन था तो ज़्यादा डैमेज नहीं लगा गाइस। एंड या मैंने इसमें 200% म्यूटेंट बूस्ट लगाया हुआ था, तब भी ज़्यादा स्पेशल पावर नहीं जनरेट कर पाती किटी प्राइड गाइस। ये पावर डेटोनेट वाला ख़त्म होने वाला है एंड ये मेरे को पूरा डैमेज मिलेगा, क्योंकि मैं फेज़ नहीं कर रहा था। आई डेंट हैव 3 प्रोविस, अगर फेज़ कर रहा होता तो बेटर रहता मेरे लिए। अभी वो पावर डेटोनेट का उसका टाइमर बचा था, सो आई गॉट सेफ अ लिटिल गाइस। अब मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेशल टू तक पहुँचूँ और वो अपना स्पेशल वन पहले टाइम पे दे, ताकि मैं उसका प्रोटेक्शन हटा के उसको दूँ। जैसे ही मैं पहुँचा स्पेशल टू पे, मैंने सीधा मारा एंड ही इज़ एट अबाउट 70-something%। एंड अगेन सिमिलर अप्रोच, मीडियम उसका स्पेशल वन काउंटर करो हैवी से, वो भी उसको भी समझने में टाइम लगता है। तो ये वाली फाइट बहुत ही मुश्किल और बहुत पिक्यूलियर है, नॉट लाइक द इजी बेन फाइट। आई विल से द बेन फाइट वाज वे इजियर। अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना ये करने का, ईओपी मत करो क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा चैनल है तभी मैं कर रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं करता। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ये फाइट से। 50% पे आ गया एक और स्पेशल टू से,
एंड या आई एम डूइंग स्टिल डूइंग ए लिटिल वेल. पावर डेटोनेशन फिर से आ गया मेरे पे, हैवी देके मैंने फिर से हटाया उसका झोल. जस्ट गोइंग टू गिव हिम अ मीडियम लाइट मीडियम ताकि मैं अपना स्पेशल टू पे पहुँचूँ. एंड आई हैव रीच्ड माई स्पेशल टू बट वो पावर डेटोनेट हो चुका था एंड यहीं पे मेरे से गलती हुई. मेरे को जो मीडियम देने की ज़रूरत नहीं थी, आई शुड हैव जस्ट गिवन अ मीडियम एंड स्पेशल टू, बट यहीं मेरा डिमाइस हो जाता है फालतू में और यहाँ रिवाइव लगता है मेरा. या एंड एक रिवाइव लगा के मैंने ये ख़त्म कर लिया था, बट द ऑब्जेक्टिव वॉज कि आपको समझ आ जाए कि केटी प्राइड कैसे यूज़ करनी है. एंड आई थिंक वो मैंने काफ़ी ढंग से कर दिया है इसके साथ. एंड एज यू कैन सी आई डाइड ऑल्सो. देन गाइज, ये जो कंट्रोल वाला ऑब्जेक्टिव है उसके लिए यू कैन यूज़ ब्लैक विडो क्लेयर वॉयंट. मेरे पास मेन अकाउंट में मैक्सड आउट नहीं है 5-स्टार में, सो आई यूज़ स्कारलेट विच. इसमें मैं 2 रिवाइव लगे थे. आई विल जस्ट शो यू द बिगिनिंग फाइट कि कैसे मैंने इसके साथ यूज़ किया है. पावर डेटनेट हटाने के लिए चाहे आपको उसके ब्लॉक पे ही स्पेशल क्यों ना देना हो, दे दीजिए. सिमिलर कॉन्सेप्ट, स्पेशल उसका 1 अवॉइड करिए, बट विद स्कारलेट विच आपको ये तो सेटिस्फैक्शन होगी कि उसके प्रोविस वाले नलिफाई होते रहेंगे, तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. सो दैट इज़ अ गुड थिंग हेयर विद अ मिस्टिक चैम्पियन. म्यूटेंट के साथ तो बहुत ही दिक्कतें हैं गाइज. सो या ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंट और टाइग्रा के साथ भी मैंने एक टेक डाउन किया है एक एक रिवाइव में, तो वो भी दिखाऊंगा आपको. एंड हाँ, और क्या, और बस ये फाइट अब आप इंजॉय करिए. आई थिंक 30-40% ही लेता हूँ, फिर 2 रिवाइव लगते हैं मेरे इसमें, पर मैंने पूरी फाइट नहीं डाली गाइज, सॉरी अबाउट दैट. बट आई होप आपको समझ आ गया ये फ़ाइट कैसे करना है. एक दिन बचा है, रियली सॉरी मेरे पास टाइम था ही नहीं. इस हफ्ते मेरी सिस्टर आई हुई है बॉम्बे से, सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक मोर वीडियोज गाइज. ओके, आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो पसंद आया है आपको. इन केस आया है प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, बहुत हेल्प करता है मुझे. सब कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो गाइज ये वीडियो. और मैं आपसे मिलूँगा काफ़ी जल्दी अगले वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय.